मुख्तलिफ नारों से मुख्तलिफ अंदाज से वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, अपने कायद से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मुत्तहिद कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन को अब से कुछ देर कबल जो है जमानत पर रिहा कर दिया गया है। एहसान अब्बासी जी, एहसान अब्बासी मजीद बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से। बिल्कुल, मैं आपको नुसरत बताऊं कि आज 5 रोज से बैठी खवातीन जो है उनके क्या तासुरात है, उनके चेहरे पे क्या खुशी है। मेरे साथ यहाँ पे कौन सूबाई असेंबली की मेम्बरान जो है वो मौजूद है। इनसे बात करके आज इतनी ज्यादा खुशी है आप तस्वर नहीं कर सकते। आप ये जज्बा जुनून देख रहे हैं, 5 दिन से ये लोग बैठे हुए कारकुनान बैठे हुए अपनी जगहों से नहीं हिले, अपने घर नहीं गए, बहुत सारी माओं ने अपने बच्चों से नहीं मिली है, बहुत सारे लोग अपनी जॉबों पे नहीं गए, दफ्तर नहीं गए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी कायद से मोहब्बत करते थे, एक लीडर की तरह नहीं अपने रूहानी बाप की तरह मोहब्बत करते। तो हमें सिर्फ उस वक्त का इंतजार है कि अल्ताफ भाई हमसे बात करें, अल्ताफ भाई की आवाज सुने और तभी इस धरने को हम खत्म करेंगे, वरना ये धरना कहीं नहीं जाता। बस अब उस घड़ी का इंतजार है कि अल्ताफ भाई हमसे बात करें। बिल्कुल, आपने इसका सबूत देख लिया, ये जाने को कोई तैयार नहीं थे यहाँ से। ये लेडीज जाती थी, खाना बनाती थी और फिर वापस आ जाती थी, और हमें यकीन था, हमें बिल्कुल यकीन था कि आज रात में कुछ ना कुछ अच्छी खबर आने वाली है। हम लोग के मोराल बिल्कुल डाउन नहीं हुए थे, जिस दिन से बैठे थे उस दिन जोश बढ़ता ही जा रहा था, और उसका देख लीजिए लोगों ने दुआएं की हैं और जो सच होता है वो सामने आता है। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, उसको सराहना चाहिए कि उन लोगों ने हमारा साथ दिया और उनको ये समझ आई कि ये चीज जो हो रही थी उनके लिए बिल्कुल गलत है। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जो सच होता है वो सबके सामने जरूर आता है। हमें सबसे ज्यादा जो कंसर्न था, जो हम बार बार यही कह रहे थे कि उनकी सेहत हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहती है, लेकिन उनकी एंजियोग्राफी हुई वो क्लियर है माशाल्लाह, और अभी इज क्वाइट वेल, लेकिन और भी कुछ कॉम्प्लिकेशन उनकी हैं, तो होपफुली अल्लाह आगे जाके वो तबीयत उनकी और बेहतर हो जाएगी। खवातीन विंग तो देख लीजिए जोश और जज्बा, क्योंकि ये वही खवातीन है जब 90s में ताले लगे थे 90 पे, तो इन्होंने ताले तोड़े थे और इन लोगों ने चलाई थी अपने MQM। तो ये तो इनके तो जज्बे, क्योंकि ये एक औरत नहीं है, ये एक असल जज्बा है। बिल्कुल, हमें लगा कि एक हमारे जो हमारे सर पे हाथ है और वो हमें गाइड कर रहे हैं, और हम बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अल्ताफ भाई हमें गाइड कर रहे थे, लेकिन उनकी प्रेजेंस बड़ी बहुत अजीब सी लग रही थी कि उनकी प्रेजेंस नहीं हमें मिल रही है। वो थोड़ा सा दिल को भी, वो तो हमारे मतलब रूहानी बाप हैं सब लोगों के, तो वो एक अजीब सी फीलिंग होती है। रास्ता तो नहीं थी, वो थ्रू आउट विद अस, आप देखें वो थ्रू आउट यहीं पर थे, मौजूद थे, तो एक बहुत अच्छा आपकी तारीख की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी हम लोग की। अगर ये बेहतरी है और हम समझते हैं कि उनकी जान को खतरा नहीं होगा, तो अल्ताफ भाई हमारे बीच में कभी भी आ भी सकते हैं। थैंक यू।